आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस कहा देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। मुस्लिम दंपति की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज अदा करने की इजाजत मिले। मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, मोदी जी को पजामा पहनना नहीं आता था, तब नेहरू ने देश के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बनाई। बीजेपी उपाध्यक्ष ने कहा, मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली धमकाने चमकाने की राजनीति। और इंदौर में ट्रैफिक पुलिस से कांग्रेसियों का झगड़ा, तो सागर में परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने खुद तोड़े ट्रैफिक नियम। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का हाथ विनाश के साथ है, कांग्रेस का बंजा देश की टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। छत्तीसगढ़ को लैंडमाइन चाहिए या बिजली या और पानी की पाइपलाइन चाहिए। देश के जवान शहीद हो रहे हैं और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बताती है वो देशद्रोह कानून को हटाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकारों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ओडिशा के संभलपुर और छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया। मोदी ने कहा कि हमारे देश में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी रही है तो उन पैसों के सही इस्तेमाल की। आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। आपने दिल्ली में एक मजबूर और भ्रष्ट सरकार भी देखी है, ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी, जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी, जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का ही परिणाम है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न राज्यों की जनता गरीब ही रही। कांग्रेस का पंजा सिर्फ नक्सलियों के साथ ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, आतंकी गहरी साजिशों से बचाने में जुटे हैं, वहां के नागरिकों की रक्षा में अपना प्राण दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का पंजा उनको भी कमजोर करना चाहता है। पीएम ने आरोप लगाया कि जब इस चौकीदार ने विपक्षियों के भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कष्ट हुआ कि ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली में आपको एक ऐसी मजबूत सरकार बनानी है जो राष्ट्रहित में ये फैसले ले जिससे हमारा देश मजबूत हो। आपका हर वोट जो कमल के निशान पर पड़ेगा वह सीधे मोदी के खाते में आएगा, इस चौकीदार के खाते में आएगा। आजकल देखा होगा कि नामदार को ऐसा लग रहा है गालियां देने का फैशन हो गया है। उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? यहाँ जो साहू समाज है वह गुजरात में उन्हें मोदी कहते हैं। क्या सब के सब चोर हैं? क्या ऐसा कहना शोभा देता है? क्या यह भाषा बोली जाती है? 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। कोई भी दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। मोदी बोले, जिनकी प्राथमिकता सिर्फ मलाई खाने की रही हो उनको आपकी चिंता कैसे होगी। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम जोड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की है कि वे सरकार को निर्देश दे कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज अदा करने की इजाजत मिले। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय वक्फ परिषद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने, भेदभाव ना करने का अधिकार और धर्म का अधिकार देने का दावा करते हुए यास्मीन जुबेर अहमद पीरजादे और उनके पति जुबेर अहमद नजीर अहमद पीरजादे ने कहा कि मुसलमानों को मुसल्ला में प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पुणे के रहने वाले इस दंपति ने कहा कि इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान और हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लिंग के आधार पर प्रवेश मिले। याजिका में मुस्लिम दंपति ने केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय वक्फ परिषद महाराष्ट्र, राज्य वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पार्टी बनाया है। उन्होंने मक्का के उदाहरण का हवाला दिया जहां पुरुष और महिला दोनों ही काबा की परिक्रमा करती हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे पवित्र मस्जिदें पुरुष और महिलाओं दोनों को समान रूप से दोनों आने की इजाजत देते हैं। उन्होंने केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला भी दिया। मुस्लिम दंपति ने मांग की है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने पर रोक लगाने वाले सभी फतवे को रद्द कर दिया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रवेश को मस्जिद में प्रतिबंधित करने से रोकने की परंपरा को बंद करना चाहिए और इसे गैर संवैधानिक घोषित करना चाहिए। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छे दिन का ताना मारा और कहा कि जब मोदी जी को पैंट और पजामा पहनना नहीं आता था, तब जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बनाई। आज मोदी देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और हमें सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। नाथ होशंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए हैं। जो टू व्हीलर से नहीं चलते थे, आज उनके पास चार चार फोर व्हीलर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि आज वे देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और हमें सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब मोदी जी की पैंट और पजामा पहनना नहीं आता था, तब देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बनाई। और मोदी जी के बारे में क्या कहें, क्या कहें, जितने बड़े बड़े वादे करते थे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ किसके अच्छे दिन आए, कितना चिल्लाते थे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं बताऊँ किसके अच्छे दिन आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके पास टू व्हीलर नहीं थी, अब चार चार फोर व्हीलर लेके घूमते हैं, उनके अच्छे दिन आए हैं। और अब तो मोदी जी ये अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। याद रखिएगा कि अब तो आखिरी दिन आ रहे हैं आपके। चुनावी सभा के दौरान प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आचार संहिता की मर्यादा तोड़ते हुए मंच से अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन बिजली विभाग के अधिकारी ध्यान दें कि बिजली की समस्या नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ध्यान रहे कि 6 के बाद 7 तारीख भी आएगी। पिछले 2 दिनों से देश में कई राज्यों में मौसम का रुख बदला हुआ है और इसका असर तापमान पर पड़ रहा है। 2 दिन पहले तक जहां तापमान 40 डिग्री के ऊपर था, वह नीचे आ गिरा है और लोगों को लू के साथ ही गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा और बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार मंगलवार को सुबह से ही मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जम्मू कश्मीर में सक्रिय विक्षोभ के कारण राजस्थान के पश्चिमी इलाके में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हुआ है। वहीं राजस्थान से उत्तर प्रदेश के पश्चिम तक भी एक ट्रफ बना हुआ है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मंगलवार और बुधवार को बारिश के अलावा ओले गिर सकते हैं। मौसम में इस बदलाव से मध्य भारत में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात में बारिश हो सकती है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस है, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का, किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस है, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का, नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोबाइल पर बात करते हुए कार ड्राइव कर रहे कांग्रेस पार्षद को पुलिस ने रोका, तो पार्षद ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी की और तबादला करवाने तक की धमकी दे डाली। ये वाक्या इंदौर के राजीव गांधी चौराहे का है। ये पार्षद मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का रिश्तेदार है। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ये मामला शांत करवाया। एमपी में वक्त है बदलाव का। राजीव गांधी चौराहे पर मोबाइल पर बात करते हुए कार चला रहे कांग्रेसी पार्षद को ट्रैफिक जवान ने रोक लिया। इस दौरान पार्षद और महिला सूबेदार ने जमकर बहस हुई। वहां से रवाना होने के एक घंटे बाद पार्षद अपने समर्थकों के साथ वापस लौट आए और सूबेदार से विवाद करने लगे। सूबेदार का आरोप है कि पार्षद ने बालाघाट झाबुआ ट्रांसफर कराने की धमकी दी। राजीव गांधी चौराहे पर सुबह पुलिस की चेकिंग प्वाइंट लगा था। यहाँ महिला सूबेदार सोनू वाजपेयी और आरक्षक विजय चौहान ड्यूटी पर। सुबह करीब 11 बजे कांग्रेसी पार्षद और लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे अभय वर्मा अपनी कार से चौराहे से गुजरे। उन पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने का आरोप लगाकर जवान ने उनकी गाड़ी रोकी और किनारे खड़ी करने को कहा। पार्षद ने गाड़ी का कांच खोला और मुंह नहीं लगने की बात कही। पार्षद ने जब तक गाड़ी किनारे नहीं लगाई, जवान आगे डटा रहा। गाड़ी से नीचे उतरते ही पार्षद भड़क गए। उन्होंने जवान को कहा कि गाड़ी कैसे रोकी। पार्षद ने खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताते हुए गाड़ी मंत्री की
की जानकारी दी और जनप्रतिनिधि से अभद्रता करने का आरोप लगाया। सूबेदार ने जब पार्षद से गाड़ी के दस्तावेज मांगे तो वे फोन लगाकर घर से मंगवा कर दिखाने की बात करने लगे। इस बीच सूबेदार और पार्षद के बीच तीखी बहस हो गई। एक घंटे बाद पार्षद अपने समर्थकों के साथ दोबारा चौराहे पर आ गए। पार्षद कांग्रेस की सरकार होने की बात कहकर सूबेदार को बालाघाट ट्रांसफर कराने की धमकी देने लगे। इस पर पास खड़े शानू नामक समर्थक ने चुटकी लेते हुए झाबुआ ट्रांसफर कराने के लिए कहा। क्या बोलती है? हजार रुपए मांगे जवान ने मेरे से, मैंने नाम नहीं बताया उसको। हजार रुपए छोड़ने में मेरी गाड़ी के चालू है, हम आवेदन देंगे। हमारी सरकार, हम आवेदन देंगे। नहीं, हम आवेदन देंगे। अरे आप बात कैसी कर रहे हैं? हम आवेदन देंगे। उनका कहना है कि मेरी झूठी, हम सीएम साहब के बारे में देखो, जो मेरी क्षमता भाई होती नहीं है। यदि आप मांग रहे हो सीएम साहब के बारे में अनशन बोल रहे हो, जनप्रतिनिधि से भी उंगली दिखा के बात कर रहे हो, कहना अलग चीज होती है। आए उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, आप निकाल लो, देखो ये तो बताओ, मीडिया वालों को बताओ, सब चीज आ जाएगी। बिल्कुल, जो चीज होगी हकीकत में। मेरी गाड़ी के सामने अगर मर जाता तो भाई, मेरा यहाँ अगर मर जाता तो हम गुनेगार हो जाते। वैसे आप बिल्कुल दौड़ दो मेरी गाड़ी के सामने। टर्न है, टर्न पे गाड़ी किस स्पीड में रहती है? आप भी आवेदन लेने के बाद ऊपर पहुंच जाओगे, कांग्रेस को वोट दोगे तो ऐसा होगा। आज आप बात में करते हैं ना, पहले आप अभी हाथों हाथ इनको सस्पेंड करो। मेरी बात सुनिए, हमारी सरकार में मतलब हमारी भी सुनवाई नहीं होगी तो मतलब क्या रहा राजनीति करने का? मेरी बात सुनिए। इसके बाद कांग्रेस नेता सूबेदार पर जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने व 1,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाने लगे। इस दौरान ट्रैफिक के एक टीआई मौके पर पहुंच गए। इस दौरान समर्थक मनोज वानखेड़े ने सूबेदार को सस्पेंड करने की मांग की। टीआई ने आरोपों पर आवेदन देने के लिए कहा तो पार्षद ने कहा कि शिकायत नहीं करेंगे। पार्षद व कांग्रेसियों की ट्रांसफर कराने की धमकी सुनकर सूबेदार ने सख्त लहजे में कहा कि यह वर्दी मेहनत से मिली है, नेताओं ने नहीं दिलवाई, जो सही और कानून के दायरे में होगा वही कार्यवाही होगी, किसी की धमकी से डरने वाली नहीं हूं। सूबेदार ने बताया कि पार्षद रिश्वत मांगने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, वे अभद्रता से बात कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा ने मामला शांत करवाया। देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके वीडियोस इधर उधर से जो आम जनता ने बनाए हैं वायरल हो गए हैं, तो घटनाक्रम तो आपको पता होगा, उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगी। पर मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि 1,000 रुपये मांगे गए थे, सरासर गलत है। अगर 1,000 रुपये की डिमांड हुई थी तो जब वो पहले आए थे 10:40 पर, तब तो माफ़ी मांग के गए, पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ वीडियो बना, माफ़ी मांगी गए वो अच्छे से। एक घंटे बाद उनको याद आया क्या कि 1,000 रुपये मांगे गए थे? एक और जगह मैंने पढ़ा कहीं न्यूज़ में कि आरक्षक ने पैसे मांगे, उसके बाद उसने अपना नेम प्लेट उतार दिया। तो जितने भी वीडियोस हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, वो किस गलती में थे और किस लिए उनको रोका गया था। और अगर ये इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं और लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, उनके पास भी फ़ोन था, फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो वीडियो बना लेते अगर ऐसी कोई घटनाक्रम हो रहा था कि हमने अगर कोई बदतमीजी करी थी या पैसे की डिमांड हुई थी तो उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? जब इधर उधर से हमारे पास भी वीडियो आए हैं तो उनके पास भी पहुंचे होंगे, कहीं तो मिलेगा उनको। अगर वो प्रूफ कर देते हैं मैं इस्तीफा दे दूँगी। इंदौर में आए दिन कांग्रेस नेता ट्रैफिक पुलिस से भिड़ते और उनसे बदसलूकी करते नजर आते हैं, लेकिन सागर में कमलनाथ सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आए। जब मंत्री ही नियम तोड़ेंगे तो फिर प्रदेश का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस समय मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस कांग्रेस नेताओं से परेशान है। जब प्रदेश के परिवहन मंत्री ही नियमों का पालन नहीं कर रहे तो समझ लेना चाहिए पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए और पीछे की सीट पर सागर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर बैठे थे। मंत्री गोविंद सिंह सागर के पौश इलाके सिविल लाइन की सड़कों पर बिना हेलमेट के फर्राटे भरते नजर आए। साथ में अन्य मोटरसाइकिलों पर सवार उनके साथी भी नियमों को ताक पर रखकर कानून तोड़ने में लगे थे। जब प्रदेश के परिवहन मंत्री नियम कानून को तोड़ेंगे तो फिर कौन नियम कानूनों को मानेगा? बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों को पुलिस देखकर ही पकड़ लेती है और 500 रुपए लेकर ही छोड़ती है, और प्रदेश के मंत्री की ओर पुलिस ने क्या आंख बंद कर रखी है, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जहां नाराज बीजेपी नेताओं को मनाने और आक्रामक चुनाव प्रचार और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए।
भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बागियों और नाराज नेताओं को मनाने के साथ तमाम मसलों पर चर्चा हुई। बीजेपी लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव ने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है और उजागर हुआ है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यकर्ता इस समय सिर्फ मोदी जी और कमल को देख रहे हैं। जो कमलनाथ जी सरकार की रवैया रही है और माननीय शिवराज जी की जो लोकप्रियता थी राज्य के अंदर, पिछले 2-3 महीना के अंदर आम जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है और ट्रांसफर उद्योग चला है, जिसके कारण आम जन सामान्य लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने मन बना चुका है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और मध्य प्रदेश के अंदर भी कमल खिले इसके लिए आम जनमानस तय कर चुके हैं। और कार्यकर्ता भी पहली बार मन से, कार्यकर्ता भी ठीक ढंग से और मन से लगा है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरों को लेकर भी चर्चाएं हुई। बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई सरकार। अरविंद केजरीवाल स्क्रिप्ट लिख कर बातें करते हैं। मोदी को अपशब्द कहना उनकी राजनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये लगातार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अंत में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले भी जब सरकार बनी थी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा और बाद में सरकार बना ली, तो ये कोई नई बात नहीं है, दोनों ए बी टीम है। मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र में ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें लोग अपने आप चीजों को करते हैं, सब पार्टी के लोग काम में लगते हैं और ये विरोध चलना ये सब राजनीति का एक हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस हैं, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक पुलिस कांस्टेबल अपने साले की बारात के नाच गाने में इतना मगन हुआ कि उसी की ही बंदूक से अचानक गोली चली और खुद की ही पत्नी को जाग लगी। पहले तो कांस्टेबल ने नाचते वक्त हर्ष फायर किया और जब दोबारा अपनी बंदूक को लोड कर रहा था उसी समय उसकी बंदूक से फिर से गोली चल गई जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। धार जिले के राजगढ़ पुलिस चौकी पर पदस्थ कांस्टेबल अजय निनामा की लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से खुद की ही पत्नी रजनी की मौत हो गई। यह पूरा वाक्या तब हुआ जब सुबह करीब 9:30 बजे नाश्ते वक्त कांस्टेबल अजय निनामा ने पहले हर्ष फायर किया, उसके बाद जब वह दोबारा अपनी बंदूक लोड कर रहा था उसी समय उसकी बंदूक से फिर से गोली चल गई जो उसकी पत्नी रजनी को जा लगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि कांस्टेबल अजय निनामा जो कि एक्स आर्मी मैन है अपने साले की शादी में झाबुआ जिले के पालेड़ी आया हुआ था। गोली लगने के बाद तत्काल रजनी को पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे धार के अस्पताल में रेफर किया गया लेकिन रास्ते में रजनी की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उमरकोट पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उमरकोट चौकी के तहत एक उकाला ग्राम पड़ता है, 9:15 बजे की घटना बताई जा रही है। इसमें एक अपसिंह निनामा करके राजगढ़ में एक कांस्टेबल है, इसके द्वारा शादी में 12 बोर की बंदूक से फायर किया गया था जो उसकी पत्नी रजनी को लगा और प्रथम दृष्टया उसको इलाज के लिए जो है सरदारपुर ले जाया गया था, वहां से उसे धार रेफर किया गया। धार में वो उसकी मृत्यु होना अभी बताया जा रहा है। अभी वर्तमान में थाना प्रभारी काली देवी को पूरे घटनाक्रम तस्दीक के लिए भेजा गया है और जैसा भी जो भी उसमें तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं लेकिन कांस्टेबल अजय निनामा की बंदूक क्यों जमा नहीं हुई और यह कांस्टेबल खुलेआम लाइसेंसी बंदूक से फायर भी कर रहा है जो अजय निनामा की पत्नी रजनी को महंगा पड़ा और उसकी जान चली गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा एमपी में धमकाने चमकाने की राजनीति नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा राहुल गांधी झूठ बोलते फिर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ हो गया है, यहां किसान गरीबी से परेशान हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है, हम अपनी पर आ गए तो दुनिया की किसी भी अन्याय करने वाली सरकार से लड़ सकते हैं। शिवराज ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कांग्रेस सरकार ने जनता की सारी योजनाएं बंद कर दी हैं, कर्ज माफ करने का सफेद झूठ बोला, जनता परेशान हो गई है। उन्होंने कहा एमपी में धमकाने चमकाने की राजनीति नहीं चलने वाली। जन कल्याण की सारी योजना बंद कर दी है कांग्रेस की सरकार और ऊपर कर संबल बंद हो गई, कर्जा माफी की नहीं, सफेद झूठ बोला सचिन राहुल गांधी पूरे देश में चिल्ला रहे कर्जा माफ हो गया, क्या किसान गांव-गांव में कह रहे हैं चले गए लूटे कर्जा माफ नहीं हुआ है। कांग्रेस केवल हथकंडों की राजनीति कर रही है और मध्य प्रदेश में डराने धमकाने चमकाने की कोशिश कर रही है। मैं साफ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है, हम अपनी पे आ गए तो हम दुनिया की किसी भी अन्याय करने वाली सत्ता का मुकाबला कर सकते हैं। भोपाल सीट से जब तक हम जीत जाएंगे कल परसों हो जाएगा भोपाल से, मैं कह रहा हूँ आज नोट कर लें, भाजपा का कोई भी साधारण कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा मेरी जरूरत नहीं। शिवराज सिंह ने कहा कि भोपाल से भाजपा का कोई भी साधारण कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है, वहां मेरी जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुर्गा दास उइके के नामांकन जमा करने के लिए पहुंचे थे। मासूम बच्चों को तालाब में नहाना इतना महंगा पड़ा कि दोनों ही बच्चों की जान चली गई। ये दोनों बच्चे हिमांशु और सचिन गांव के तालाब में नहाने गए थे, अचानक एक बच्चा तालाब की गहराई में जा पहुंचा और डूबने लगा। उसे डूबता देख दूसरा बच्चा भी तालाब की गहराई में जा पहुंचा और दोनों ही बच्चे तालाब की गहराई में जा समाये और डूबने से दोनों ही मासूमों की मौत हो गई। जब गाँव वालों को पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बच्चों को निकाल कर जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने दोनों मासूम बच्चों को मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक मासूम बच्चे चचेरे भाई थे। घटना के बाद से दोनों के घरों में मातम छाया हुआ है। ओरछा रोड थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि दो लड़के सोरा के तालाब में डूब गए हैं, जिसकी सूचना पर हम लोग तत्काल पहुँच के और उन्हें जिस भी स्थिति में थे ला करके हॉस्पिटल एडमिट किया जहाँ पे इन्हें मृत घोषित किया गया है। ये सुबह बच्चे नहाने गए थे
नहाने के टाइम पे वो तैर नहीं पाए, उसके कारण ये डूब गया। सगे भाई हैं, चाचा चाचा के हैं, जैसे उनको पता चला है तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके आए, जिनमें हॉस्पिटल ने मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वे ऐसा नहीं होने देंगे। चुनाव का अवसर है, इसीलिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हाथ में आया कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस दफ्तर में LIC के नेताओं के साथ मीटिंग की, उनकी समस्याएं समझी और कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले 5 साल में 25 लाख अभिकर्ताओं ने काम छोड़ दिया है। नवरत्न कंपनी का कुछ दिन में क्या स्वरूप होगा, यह चिंता का विषय है। LIC की सभी पॉलिसी एजेंट और बीमा धारकों के खिलाफ काम हो रहा है, इसको BSNL की हालत में पहुंचाया जा रहा है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, सरकारी कंपनियों को खत्म करके निजी कंपनियों को काम दिया जा रहा है। कि निजी कंपनियों को काम देना चाहते हैं और LIC भी उसी का एक अंग है। कि निजी कंपनियों को काम देना चाहते हैं और LIC भी उसी का एक अंग है। चुनाव का मौसम है और दिग्विजय सिंह खुद भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। दिग्विजय जब खुद मुख्यमंत्री थे तब इसी तरह उन्होंने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया था। कांग्रेस की सरकार में जब देश में निजीकरण की शुरुआत हुई तब दिग्विजय सिंह चुप्पी साधे रहे, लेकिन अब सवाल वोट का है तो अलग किस्म की बात कर रहे हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का, किताबों के बीच करवटें लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे, इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का, नोटबंदी और जटिल GST जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है, हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस हैं, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे,
हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव के मद्देनजर सख्त चेकिंग के दौरान आरपीएफ जबलपुर ने कटनी जाने वाली ट्रेन के जनरल कोच से 2,82,000 नगद बरामद किया। जबलपुर से कटनी जा रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति से जब इस नकदी के बारे में पूछा गया तो इस रकम का हिसाब नहीं दे पाया। फिलहाल इस रकम को जब्त कर लिया गया है। व्यापारी का नाम प्रमोद सेजवार है जो कि जबलपुर से कटनी जा रहा था। आरपीएफ ने रुपए के बारे में जब व्यापारी से पूछताछ की तो वह कैश का विवरण नहीं दे पाया। आरपीएफ ने रुपए की जानकारी एसएसटी टीम को दी, जिसके बाद टीम ने कैश को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आरपीएफ के मुताबिक शाम को स्टाफ जब ट्रेन की चेकिंग कर रहा था, उसी समय प्रमोद कुमार के हाव भाव आरपीएफ को संदिग्ध लगे, जिसके बाद जब व्यापारी की चेकिंग की गई तो उसके बैग से 2,82,000 नगद मिले। आरपीएफ पुलिस प्रमोद कुमार को हिरासत में लेकर थाने ले आई। हालांकि रुपयों के बारे में अभी तक कोई दस्तावेज प्रमोद आरपीएफ के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। कैश मिलने के बाद आरपीएफ पुलिस ने जिला निर्वाचन को की सूचना दी, जिसके बाद एसएसटी की टीम मौके पर पहुंची और व्यापारी प्रमोद कुमार से मिले 2,82,000 जब्त कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी प्रमोद कुमार गल्ला का काम करता है और आधार ताल में रहता है। शुक्रवार के एक व्यक्ति है जो आधार ताल का रहने वाला है। हमारे दो स्टाफ जो ड्यूटी में तैनात थे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 जब गोरवाना एक्सप्रेस प्लेस हुई तो उसे जनरल कोच में व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। स्टाफ द्वारा पूछताछ की गई तो और समक्ष विभाग जब तलाशी ली गई तो इसके बैग से 2,82,000 रुपये मिले, जिसको इसने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि कहाँ से लेकर आया है। बाद में जो है यहाँ लाया गया, निर्वाचन आयोग को संबंधित जो भी यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है उनको मैसेज करके वो पैसे जो है उनके हैंडओवर कर दिया गया है। संबंधित एजेंसी इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है उस पैसे के संबंध में। भोपाल के गांधीनगर चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और उसकी विंडो लॉक हो गई। गनीमत है कि उसी समय डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आग अधिक फैलने से पहले कांच तोड़कर कार सवार इंजीनियर को बाहर निकालकर बचा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने घायल कार सवार इंजीनियर को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पूरे मामले में पुलिस जवानों ने काफी साहस दिखाया। अयोध्या नगर निवासी भूषण मोहड़कर आईटी इंजीनियर है। भूषण ने रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी की, इसके बाद वह अपने एक दोस्त को गांधीनगर इलाके में कार से छोड़ने गया था। लौटते समय भूषण की तेज रफ्तार कार टर्न लेते समय अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। इससे इंजन पीछे खिसका और उसमें आग लग गई। कार में आग लगते ही वह लॉक हो गई थी, जिसमें भूषण अंदर फंस गया। उसी समय गांधीनगर थाने के हवलदार मोहन सोलंकी और सिपाही राम बाबू FRB में तैनात थे। उन्होंने कार को देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, साथ ही कांच को तोड़कर भूषण को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। हवलदार मोहन सोलंकी का कहना है कि शायद कार सवार को नींद का झोंका आया होगा, इसीलिए कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से भिड़ गई। जब दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा तो उसके नीचे चिंगारी उठ रही थी। मैंने तुरंत अपने साथी राम बाबू को साथ लिया और आग पूरी तरह से फैलती उससे पहले कार का कांच तोड़कर अंदर फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद कार पूरी तरह जल गई थी। दमकल के लगातार पानी डालने के बाद भी आग पर काबू करने में समय लग गया। बेखौफ बदमाशों ने रेलवे कैंटीन चलाने वाले की मोटरसाइकिल जला दी और वहां से बदमाश फरार भी हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि रेलवे में कैंटीन चलाने वाला शुभम साहू शनिवार की रात को लोको तलैया से होकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ बदमाश आपस में विवाद कर रहे थे। बदमाशों के बीच विवाद होता देख शुभम अपना वाहन छोड़कर वहां से भाग गया। बदमाशों ने मौका देखकर शुभम की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। शुभम ने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शुभम की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये शुभम साहू रेलवे में कैंटीन चलाता है। ये रात में वहाँ से अपने एक साथी के साथ गुजर रहा था। कुछ लोग वहाँ बैठ करके आपस में विवाद कर रहे थे तो उनको देख के भागा। इसके बाद अज्ञात लोगों ने इसकी गाड़ी जला दी।
रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है, शीघ्र ही आरोपियों को पता लगाकर गिरफ्तारी की जाएगी। रामनवमी के शुभ अवसर पर भव्य चल समारोह का आयोजन बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया। यह चल समारोह राम भगवान की पूजा अर्चना कर शुरू किया गया। इस चल समारोह में राम दरबार सजाया गया था, जिसका लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। चैत्र नवरात्रों में रामनवमी का महोत्सव मनाया जाता है। इस साल भी संत नगर के शिव मंदिर के पास राम दरबार को सजाया गया था, जिसकी नवरात्र के पहले दिन से लेकर नवमी तक पूजा अर्चना की। रामनवमी के खास अवसर पर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा चल समारोह भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। साथ ही लोगों ने जगह जगह इसका स्वागत भी किया। चल समारोह में विश्व हिंदू परिषद के करण राजौरिया, बजरंग दल के जीतू कटारिया, रूपचंद्र सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा मत। जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, आज दिमाग खराब है मेरा, चाय वाय कुछ नहीं पिलाऊ। देखो, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। वो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने वो गाड़ी उड़ा दी, बताओ विधायक मर गए और चार पांच लोग और मर गए। और मैं बता रहा हूँ, इतनी मारामारी का शौक है काय को? अरे चुनाव लड़ो, अपने अधिकार लेना है तो यहाँ आओ, बढ़िया बंगलों में बैठो, इसी बंगलों में लोगों को मारने से कोई अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरी खबर ये देख लो इधर पे, मैं टाइगर के पेड़ काट ले गए राधामानी जंगल के वहाँ। और मैं बता रहा हूँ, देखो टाइगर नहीं बचेगा ना तो तुम भी नहीं बचोगे, जंगल नहीं बचेंगे, बता रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा होश में रहो। और छापे में देखो, ये जानवरों की खालें निकल रही है, कहीं हिरण की खाल, कहीं किसी की, और सर टंगे हुए हैं, कहीं हिरण के सामर की ट्रॉफियां टंगी हुई हैं। ये सब शौक रहा है जानवरों को मारने का, खुद की खोपड़ियाँ टांगो, बता रही हूँ। ये धार के बाद भैया मांडू में देखो, एक बस गिर गई खाई में, वो तो अच्छा हुआ नीचे एक पेड़ था बड़ा, उस पर अटक गई, सबकी ये जाने बच गई। बताओ, सबने शंका लप लिया है कि सब एक एक पेड़ लगाए। देखो पेड़ों की शक्ति, देखो पेड़ लगाया करो भैया। हाँ, इसीलिए कहता हूँ मैं, वही दबंग 3 की शूटिंग चल रही है वहाँ माहेश्वर में, तो बता रहे हैं इनको परमिशन क्यों दे देती हो? बताओ, ये मूर्ति की हाथ तोड़ दिया, रास्ता बांध दिया उससे, वही सलमान खान उस पर खड़े हो रहे हैं, वो शिवलिंग के ऊपर तखत खड़ा कर दिया, वहाँ डांस वांस चल दिया है। और मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो मॉन्यूमेंट है हमने वहाँ पे परमिशन दो ही बात ये कितने कारीगरों ने कितनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, वही इनका क्या है, खराब कुरूप करके चले जाएंगे, ये तो चल गया है। और भैया, ये पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेचारे चाय चौं बंद हुई है, बेचारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, इनके ये लाउड स्पीकर ले लेकर वहाँ वहाँ करते रहते, बता रहे हैं बहुत दिमाग ख़राब है आज मेरा। भाई पर्चे वर्चे भर रहे हैं लोग, भैया राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया अमेठी से, भाई मोदी भी भरने वाले हैं 26 को, मैंने सुना है ये कमलनाथ ने भर दिए, और मेरा भी भैया मैं भी पर्चा भरने जा रहा हूँ, डॉक्टर के यार मेरा सर खराब हो गया है, वो पर्चिया में डॉक्टर से भरवाऊंगा कुछ, हाँ गोलियाँ वगैरह लिखवाऊंगा, बता रहा हूँ कसम भोपाल की खा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।